और इस वक्त की एक बड़ी खबर, लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी का आज सुबह 8:15 बजे निधन हो गया है। वो 89 साल के थे। कल सोमनाथ चैटर्जी को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद दक्षिण कोलकाता के एक अस्पताल में उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। और इससे पहले जून में उन्हें किडनी की समस्या होने पर भी अस्पताल में भर्ती किया गया था। सोमनाथ चैटर्जी 2004 से लेकर 2009 तक लोकसभा के स्पीकर थे। और इस वक्त की दुखद खबर, सोमनाथ चैटर्जी नहीं रहे और काफी लंबे समय से बीमारी से जूझते हुए आज सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पूर्व स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी को कल हार्ट अटैक आया था। 89 उम्र के वो थे और कल उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद दक्षिण कोलकाता के एक अस्पताल में एडमिट किया गया। लाइफ सपोर्ट पर उन्हें रखा गया, लेकिन डॉक्टर भी उन्हें ज्यादा न बचा पाए और आज सुबह उनके निधन की खबर सामने आई।